मीठू एक अच्छा तोता है। वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए मेरी मदद लेता था, इसलिए मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। लेकिन तुम एक लालची जानवर हो, तुमने मुझसे चोरी करवाई है। अब मैं तुमको इसकी सजा भी दिलवा कर रहूंगा। पपीते, तुम तो बड़े हो गए हो, अब तुम तो बहुत जल्दी नीचे गिरने वाले हो। हाँ, मैं गिरने वाला हूँ। काश किसी भी जानवर को पता ना चले कि मैं जादुई पपीता हूँ। कोई लालची जानवर मुझे ले गया तो पता नहीं क्या क्या मांगेगा। अरे तुम कुछ बोलना ही नहीं, ऐसा करने से किसी भी जानवर को तुम्हारी सच्चाई पता नहीं चलेगी। हाँ, ये आइडिया सही है। अरे वाह, मिल गया आज का खाना। मीठू जमीन पर उतरकर उसके पास पहुंचा। उसने पपीते पर 2-3 मुंह मारे और मजे से उसको खाने लगा। आह, कितना स्वादिष्ट पपीता था, मजा आ गया। काश कि अब थोड़ा पानी मिल जाता तो और अच्छा होता। उसके इतना कहते ही पपीता चमकने लगा, जिसको देखकर मीठू चौंक पड़ा और उसके सामने एक पानी से भरा मटका आ गया। अरे ये कैसा चमत्कार है, मेरे ख्वाहिश करते ही पहले पपीता चमका और उसके बाद यहाँ पानी आ गया। कहीं ये जादुई पपीता तो नहीं है? हाँ, तुमने सही पहचाना। अरे वाह, तुम तो बोल भी सकते हो। हाँ मीठू, मैं जादुई पपीता हूँ। अगर कोई जानवर मेरा एक बाइट खाकर विश मांगे तो मैं उसकी विश पूरी कर देता हूँ। ओ अच्छा, लेकिन जब तुम्हारे अंदर खाने को कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या होगा? किसी भी जानवर की 3 ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद मैं फिर से पूरा हो जाता हूँ और फिर उस जानवर के हुक्म का गुलाम नहीं रहता। तो ठीक है, मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि तुम हवा में उड़कर कहीं भी जा सकते हो। उसके इतने कहते ही पपीता हवा में उड़ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिठू, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उस दिन के बाद वो दोनों साथ साथ रहने लगे। मिठू अब जंगल के सभी जानवरों की खूब मदद करने लगा। जो भी जानवर कोई चीज चाहता, मिठू उसको लाकर दे दिया करता। ये बात जंगल में फैल गई और इसी तरह नीकू बिलौटे के कानों तक पहुंच गई। लालची बिलौटा इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए मीठू के पास पहुंचा। हाय हाय, मेरी कोई मदद करो, मीठू कहाँ हो तुम? क्या बात है मीकू, तुम ऐसे क्यों कर रहा रहे हो? मीठू, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। तुम मेरे लिए अभी काली पहाड़ी पर उगने वाला फूल ला सकते हो? उसमें हर दर्द को गायब करने की शक्ति होती है। उसको तड़पता देखकर मीठू को उस पर रहम आ गया। तुम यहीं रुकना दोस्त, मैं बस अभी आता हूँ, कहकर मीठू अपने घर के अंदर चला गया। बिलौटा भी दबे पांव उसके अंदर झांक कर देखने लगा। मीठू ने पपीते के अंदर एक मुंह मारा और फिर बोला, जादुई पपीते, मुझे अभी काली पहाड़ी पर उगने वाला नीला फूल चाहिए। इतना सुनते ही पपीता चमकने लगा और उसके सामने नीला फूल आ गया। तभी बिलौटा अंदर घुस गया। अरे मेको, तुम यहाँ? हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया है। ऐसा कहकर उसने जल्दी से पपीते के अंदर मुंह मारकर एक बाइट खा लिया। ए जादुई पपीते, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, मेरे साथ अभी के अभी मेरे घर चलो। ऐसा कहते ही पपीता चमकने लगा और हवा में उठ गया। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो मीकू, पपीते दोस्त, इसके साथ मत जाओ।
इसने मेरा बाइट खाकर ख्वाहिश की है मिठू, मुझे इसकी ख्वाहिश पूरी करनी ही पड़ेगी। मिठू, अगर किसी को कुछ भी बताया तो मैं इस पपीते को ही खत्म कर दूंगा। अब मीकू बिलौटा वहां से निकला और पपीता भी बेबस होकर उसके पीछे पीछे उड़ गया। पता नहीं ये मीकू क्या करेगा। ए जादुई पपीते, आज जो शिकार भालू ने किया है उसको वहां से गायब करके अभी के अभी मेरे सामने लेकर आओ। इतना कहते ही पपीता चमकने लगा। आज तो बड़ा ही मोटा ताजा शिकार हाथ लगा है, मजा आ जाएगा। ऐसा कहकर उसने जैसे ही मांस के अंदर मुंह मारना चाहा, वो उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया और मीकू बिलौटे के सामने आ गया। अरे वाह, कितना ताजा मांस है, कहकर बिलौटा उसको मजे से खाने लगा। अगले दिन इसी तरह मीकू बोला, ए जादुई पपीते, आज जो शिकार बघीरा ने किया है वो अभी के अभी मेरे सामने ले आओ। उसके इतना कहते ही बघीरा की गुफा में रखा मांस वहां से गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है, मेरा शिकार कहां गया? वाह, ये मांस तो कल वाले से भी ज्यादा मजेदार है, कहकर वो मजे से मांस खाने लगा। अगले दिन नीकू बिलौटा सोचने लगा, आज तो मेरा मन है कि शेर खान के हाथों शिकार किए हुए जानवर का मांस खाऊं। ऐसा कहकर उसने पपीते को हुक्म दिया। शेर खान ने उस दिन भैंसे का शिकार किया था और उसको अपनी गुफा में रखा था, तभी अचानक से वो गायब हो गया और मीकू बिलौटा के पास पहुंच गया। शेर खान के खाने के चोरी होने वाली बात अब पूरे जंगल में फैल गई और शेर खान ने शाम के टाइम सभी जानवरों को सभा में आने का हुक्म दे दिया। आ, मजा आ गया, ये शेर खान का शिकार तो बहुत ही बड़ा निकला, आगे भी कई दिनों तक चल जाएगा। ऐसा कहकर वो आराम से सो गया। शाम के टाइम जब वो उठा तो उस जगह पर मीठू भी मौजूद था। मीठू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मेरे दोस्त पपीते से मिलने आया था। ये अब मेरा है, तुमको इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। ए जादुई पपीते, आज तुम मेरे लिए ताजी ताजी मछलियों का इंतजाम कर दो। मीकू बिलौटे, तुम्हारी तीन ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारा हुक्म मुझ पे नहीं चलने वाला। तुम झूठ बोल रहे हो, मीठू की तो तुमने अनगिनत ख्वाहिशें पूरी की है, फिर मेरी बस तीन क्यों? मीठू एक अच्छा तोता है, वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए मेरी मदद लेता था, इसलिए मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। लेकिन तुम एक लालची जानवर हो, तुमने मुझसे चोरी करवाई है, अब मैं तुमको इसकी सजा भी दिलवा कर रहूंगा। चलो मीठू, सभा का टाइम हो गया है। ऐसा कहकर पपीता और मीठू दोनों हवा में उड़ गए और मीकू बिलौटा भी उनके पीछे पीछे उनको रोकने के लिए भागने लगा। सभा लग चुकी थी और सभी जानवर शेर खान के सामने खड़े थे। आज मेरा भी खाना चोरी हो गया, आखिर वो जानवर कौन हो सकता है जो इतनी सफाई से चोरी कर रहा है? तभी पपीता और मीठू वहां पहुंचे, बिलौटा भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच चुका था। शेर खान, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। अरे, एक पपीता कैसे बोल रहा है? शेर खान, मैं एक जादुई पपीता हूँ, आज तक जंगल में जो भी चोरियां हुई वो मुझसे मीकू बिलौटा ने जबरदस्ती करवाई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत मीकू बिलौटे? नहीं शेर खान, ये झूठ बोल रहा है। अगर यकीन नहीं तो आप सभी इसके घर चलिए।
सुनकर सभी जानवर उसके घर पहुंच गए। वहां पर शेर खान ने देखा कि जिस भैंसे का उसने सुबह शिकार किया था वहां उसी का मांस रखा हुआ था। आज से तुम 20 दिनों के लिए काली गुफा के अंदर कैद रहोगे। शेर खान ने मीकू बिलोटे को सजा दी और फिर पपीते से बोला, पपीते तुम अब कहां जाओगे? फिर से किसी लालची जानवर के हाथ लग गए तो वो तुमसे फिर से कुछ गलत काम करवाएगा। मैं तो मीठू के साथ रहूंगा, ये सबसे अच्छा है, हमेशा इसी के साथ रहना चाहूंगा। सुनकर मीठू खुश हो गया। चलो पपीते, अब तुम मेरे घर चलो। पपीता मीठू के साथ उसके घर चला गया और उस दिन के बाद से पपीता हमेशा मीठू के साथ ही रहने लगा। हे भगवान, अगर तूने मुझे सारस बनाया था तो मुझे भी और सारसों की तरह दो पंख क्यों नहीं दिए? मैं अपने साथियों के साथ उड़ नहीं पाता, ना ही वो मुझे अपने साथ रखना पसंद करते हैं। अपाहिज सारस और जादुई चिड़िया। एक जंगल में सभी पशु पक्षी बड़े प्यार से रहा करते थे। उस जंगल में एक बहुत खूबसूरत तालाब भी था जिस पर सभी जानवर पानी पीने के लिए आया करते थे। सारसों का एक झुंड भी सुबह और शाम वहां आता था। लेकिन एक सारस था जो कि दिन और रात वहीं भटकता रहता था। हे भगवान, अगर तूने मुझे सारस बनाया था तो मुझे भी और सारसों की तरह दो पंख क्यों नहीं दिए? मैं अपने साथियों के साथ उड़ नहीं पाता, ना ही वो मुझे अपने साथ रखना पसंद करते हैं। इससे अच्छा तो मुझे खरगोश ही बना देता, कम से कम तेज भाग तो सकता था। तभी एक हरा तोता वहां आता है। मिंकू सारस, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ऐसी मुसीबत में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आखिर बात क्या है, तुम कहां से आई हो? मैं पड़ोस के जंगल से आई हूँ। मैंने सुबह ही एक अंडा दिया था लेकिन बदकिस्मती से मेरा अंडा घोंसले से लुढ़क कर एक ऐसे गड्ढे में गिर गया है जो कि बहुत बारीक और गहरा है। क्या तुमने उसको निकालने की कोशिश नहीं की? मैंने और जंगल के कई जानवरों ने कोशिश की लेकिन वो गड्ढा बहुत ही बारीक है, उसमें किसी का हाथ नहीं जा पा रहा। लेकिन तुम अपनी चोंच की मदद से उसको निकाल सकते हो। मैं बहुत खुशी से तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार होता, लेकिन शायद तुमको पता नहीं कि मैं एक पंख से अपाहिज हूँ, उड़ नहीं सकता। तो फिर तुम्हारा कोई दोस्त तो होगा, कोई दूसरा सारस? हाँ, कई सारस हैं और उनके आने का टाइम भी होने वाला है। उसकी बात सुनकर तोता वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद जब सारसों का झुंड आया तो उस तोते ने सभी से मदद के लिए कहा, तुम्हारा जंगल तो बहुत दूर है, हम में से कोई वहाँ नहीं जाना चाहेगा। मेरा अंडा अगर उसी गड्ढे के अंदर फूट गया तो मेरा बच्चा उसी में पड़ा पड़ा मर जाएगा। प्लीज आप में से कोई मेरे साथ चलिए। हम उस तरफ जाते ही नहीं, और वैसे भी तुम इस जंगल की नहीं हो, हम तुम्हारी मदद के लिए भला इतनी मेहनत क्यों करेंगे? ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, इसके बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अगर तुमको इसकी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो तुम ही क्यों नहीं चले जाते? उड़ नहीं सकते तो चल कर चले जाओ, पैर तो तुम्हारे पास भी है ना। इतना कहकर पूरा झुंड वहाँ से उड़ गया। तुम फिक्र मत करो प्यारे तोते, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। सुनकर तोता खुश हो गया और उसको अपने साथ ले चली। कुछ घंटों चलने के बाद मिंकू सारस के पैर दर्द करने लगे। वो बीच बीच में थोड़ी देर आराम करता और फिर अपना सफर तय करता। इसी तरह रुकते रुकाते शाम होने तक वो दोनों जंगल पहुंच गए। मिंकू सारस, यही है वो गड्ढा। सुनकर मिंकू सारस ने उसमें झांक कर देखा तो उसको काफी अंदर एक अंडा नजर आया। मैं अभी इसको निकालता हूँ। मिंकू सारस ने अपनी पतली गर्दन गड्ढे के अंदर डाली
और फिर अपनी बारीक चोंच की मदद से अंडे को बड़े आराम से निकाल कर जमीन पर रख दिया, जिसको देखकर तोता बहुत खुश हुई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिंकू सारस। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया, लेकिन अब मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। अब तो शायद सुबह ही यहाँ से निकल पाऊंगा जब मेरा दर्द निकल जाएगा। तभी वो अंडा हरकत करने लगा और एकदम से चटकने लगा। अगले ही पल उसके अंदर से एक नीले रंग का चूजा बाहर निकला। देखते ही देखते वो चूजा अपनी मम्मी चिड़िया के आकार का हो गया और उड़ने लगा। ये देखकर मिंकू सारस चौंक पड़ा। ये कैसा जादू है? तुम तो अभी पैदा हुए हो, एकदम से बड़े हो गए और अभी से उड़ने भी लगे, ये सब कैसे हुआ? अब तुमको चलकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस जंगल से तुम अपने पंखों पर उड़कर जाओगे। है? भला मैं उड़कर कैसे जा सकता हूँ, मेरा तो एक ही पंख है। अभी तक जो कुछ भी मैंने किया वो सब इन्हीं के कहने पर किया था, ये अंडा भी मेरा नहीं था। मुझे साफ साफ बताइए कि आप लोग कौन हैं और आपका मेरे पास आने का क्या मकसद था? हम दोनों जादुई पहाड़ी पर रहते हैं। आज सुबह जब मैं अपने ध्यान में बैठा था तब मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी, किस तरह तुम भगवान से अपना दूसरा पंख निकालने की दुआ कर रहे थे। फिर तोता मेरे ही कहने पर, कोई पक्षी दुखी दिल से भगवान से कुछ मांग रहा है, तुम उसके पास जाकर उसका इम्तिहान लो, अगर वो दिल का अच्छा हुआ तो हम उसकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। फिर मैंने तोता से कहा, तुम्हारे पास गई और तुम्हारा इम्तिहान लिया, मुझे खुशी है कि तुम अपने इम्तिहान में पास हुए। ये सुनते ही मिंकू सारस खुश हो गया। अब ये लो अपना इनाम, कहकर उसने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और मिंकू सारस के ऊपर से दो तीन चक्कर काटे। कुछ जादू सा हुआ और तभी मिंकू सारस का दूसरा पंख भी निकल आया। अपने पंखों को इस्तेमाल करो मिंकू सारस। सुनकर उसने पंख फड़फड़ाए और फिजा में उड़ गया। उसने एक दो चक्कर घूम घूम कर लगाए और वो उस वक्त बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये है, यस, अब मैं भी उड़ सकता हूँ। फिर वापस उनके पास आया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक और पंख देकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब तुम अपने जंगल जा सकते हो मिंकू सारस। याद रखना, जिस तरह आज मेरी मदद के लिए तुम आगे आए थे, आगे भी इसी तरह दूसरों की खूब मदद करना। मेरी मदद करने की आदत की वजह से ही मुझे मेरे पंख मिले हैं। मैं वादा करता हूँ आगे भी इसी तरह सबकी मदद करने को तैयार रहूँगा। ये कहकर वो उन दोनों को गुड बाय बोलकर खुश होते हुए आकाश में उड़ गया। जब वो तालाब पर पहुंचा तो बाकी सभी उसको उड़ता हुआ देख हैरान रह गए और खुश भी हुए। अरे मिंकू सारस, तुमको दूसरा पंख कैसे आ गया? ये सुनकर मिंकू सारस ने उनको खुश होते हुए सब कुछ कह सुनाया। हमें बहुत खुशी हुई कि अब तुमको हमसे अलग नहीं रहना पड़ेगा। तो देर किस बात की है, चलो आज से मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुनकर सभी सारसों का झुंड हवा में उठा और फिर मिंकू सारस भी खुश होते हुए उनके साथ सैर के लिए चला गया। मैं तुम्हारे लिए ये पत्ता लेकर आई हूँ मिट्ठू। इसकी खासियत है कि कोई अंधा इसके रस को आँखों में डाल ले तो उसकी आँखों की रोशनी ठीक हो जाती है, और अगर कोई ठीक हो तो वो अंधा हो जाता है। मिट्ठू तोता एक बड़े से पेड़ पर कुछ पक्षियों के साथ रहा करता था। वो उनके साथ रोजाना खाने की तलाश में जाता और दोपहर शाम होने तक वापस आता। मुझे रोज इन सब के साथ जाना होता है और धूप में खाने की तलाश में भटकना पड़ता है। ऐसा क्या किया जाए कि मुझे इनके साथ जाना भी ना पड़े और खाने का भी इंतजाम हो जाया करे? उसने सोचा कि अंधे होने का नाटक करके वो मेहनत करने से बच जाएगा और डाल पर बैठे बैठे ही चिल्लाने लगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसकी चीखें सुनकर बाकी सभी पक्षी उसके पास पहुँचे।
क्या हो गया तुमको? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। आज मैंने सूरज को उगते हुए देख लिया, शायद इसी वजह से ये हुआ है। कहकर वो डाल पर इधर उधर गिरने लगा। सूरज को देखने से कोई अंधा कैसे हो सकता है? पता नहीं, लेकिन मुझे सच में कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं किस तरह अपने खाने पीने का इंतजाम करूँगा? उसकी इस तरह की बातें सुनकर सभी पक्षियों को उस पर दया आ गई। उनमें से तीनों बोली, मिट्ठू तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जब तक तुम्हारी आँखों की रोशनी वापस नहीं आ जाती, तब तक हम तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कर दिया करेंगे। नहीं, मैं भी मेहनत करके खाना चाहता हूँ। हमें पता है तुमको मेहनत करना पसंद है, इसलिए जब तक हम वापस नहीं आते, तुम हमारे घोंसलों में रखे अंडे और बच्चों की रखवाली करो। तब तो तुमको बुरा नहीं लगेगा ना? लेकिन ये अंधा हो चुका है तो कैसे हमारे घोंसलों की रखवाली करेगा? इसको बैठे हुए देखकर बिल्ली हमारे घोंसले तक नहीं आएगी, क्योंकि उसको नहीं पता कि मिट्ठू को दिखाई देना बंद हो गया है। अगर आप लोग मुझे रखवाली का काम देकर जाना चाहते हो तो मैं रुक सकता हूँ। ये सब बातें बिल्ली छिप कर सुन रही थी। सभी पक्षी मिट्ठू को पेड़ पर छोड़कर चले गए। उनके जाते ही वो पेड़ के पास पहुंची। अरे वाह, आज तो पार्टी हो गई समझो। ये अंधा तोता इन घोंसलों की क्या रखवाली कर रहा है? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसको पता भी नहीं चलेगा और मैं इन सब अन्नों और बच्चों को अपना खाना बना लूंगी। कहकर वो झट से पेड़ पर चढ़ गई और घोंसले की तरफ बढ़ने लगी। खबरदार, अगर आगे बढ़ी तो अभी तुझे मजा चखाता हूँ। कहकर मिट्ठू उड़ा और उसने उस पर चोंच मार मार कर हमला बोल दिया। अरे ये तो बहुत ही झूठा निकला, इसको तो सब दिख रहा है। आह, बचाओ! बिल्ली वहां से भाग गई और इस तरह मिट्ठू ने अंडे और बच्चे दोनों को बचा लिया। जब सभी पक्षी वापस आए तो अपने साथ मिट्ठू के लिए भी खाना लेकर आए। मिट्ठू ने उसको मजे से खाया और अपने अंधे होने का नाटक जारी रखा। अगली सुबह सभी पक्षी फिर से खाने की तलाश में निकलने वाले थे, लेकिन टीनू नजर नहीं आ रही थी। ये टीनू आज सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई? तभी उनको वहाँ टीनू आती हुई नजर आई, जिसकी चोंच में एक पत्ता दबा हुआ था। उसने पत्ते को डाली पर लाकर रखा और बोली, मैं तुम्हारे लिए ये पत्ता लेकर आई हूँ मिट्ठू। इसकी खासियत है कि कोई अंधा इसके रस को आंखों में डाल ले तो उसकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है, और अगर कोई ठीक हो तो वो अंधा हो जाता है। फिर तो मैं इसका रस अपनी आंख में नहीं डलवाऊंगा। क्यों नहीं डलवाओगे? क्या तुम ठीक नहीं होना चाहते? ये सुनकर मिट्ठू समझ गया, अगर सच बोला तो उसकी पोल खुल जाएगी। ठीक है, डाल दो। सुनकर टीनू ने उसकी आंखों में पत्ते का रस टपका दिया और उसको बहुत जलन होने लगी। बहुत जल रही है, आए मेरी आंख जल रही है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आए कुछ नहीं दिख रहा। ये तुम क्या कह रही हो? अंधे तो तुम कल ही हो गए थे, अब फिर से कैसे हो सकते हो? अब मेरा मतलब है कि मैं ठीक हो चुका हूँ, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो गए। अब मिट्ठू सचमुच में अंधा हो चुका था, लेकिन किसी से सच भी नहीं बोल सकता था। मिट्ठू तुम आज ही ठीक हुए हो, ऐसा करो आज भी हमारे घोंसलों की रखवाली करो, कल से हमारे साथ चलना। सभी उसको घोंसलों के पास छोड़कर चले गए। बिल्ली को पता था कि अब वो सच में अंधा हो चुका है। वो डाली पर पहुंची और गुस्से में बोली, तूने बहुत मारा था ना मुझे, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। उसने मिट्ठू के ऊपर हमला करके उसको घायल कर दिया और उसके बाद सारे बच्चों और अंडों को खा गई। मिट्ठू घायल हालत में डाली पर ही पड़ा था।
जब सभी पक्षी वहाँ पहुँचे तो अपने अंडों और बच्चों को गायब देख परेशान हो उठे। हमारे अंडे और बच्चे कहाँ हैं मिट्ठू? उनको बिल्ली खा गई। लेकिन तुम्हारे होते हुए उसने ये कैसे किया? तुमने उसे रोका नहीं? मैंने आप सभी से झूठ बोला था कि मैं अंधा हो चुका हूँ, जिससे मुझे बिना मेहनत किए खाना मिलने लगे। और टीनू चिड़िया ने जब मेरी आंखों में रस डाला तो मैं सच में अंधा हो गया। लेकिन आप लोग मुझ पर गुस्सा न करें, इसलिए मैंने कह दिया कि मैं ठीक हो चुका हूँ। असल में मुझे अब कुछ नजर नहीं आता और इसी वजह से मैं आपके बच्चों की रखवाली नहीं कर सका। मिट्ठू, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे मारे गए और अंडे बर्बाद हुए। तुम सजा के हकदार हो। सभी पक्षियों ने उसे खूब मारा और अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। उसके पंख भी अब घायल हो चुके थे और अब वो पेड़ पर रहने लायक भी नहीं रहा था। पूरे दिन वो पेड़ के नीचे पड़ा तड़पता रहा। रात को उसका जुड़वा भाई टीटू आया और उसको इस हालत में देख परेशान हो उठा। अरे मिट्ठू, ये सब तुम्हें क्या हो गया? किसने मारा तुमको? मेरी इस हालत की वजह मेरा आलसी होना है, कहकर उसने टीटू को सब कुछ बता दिया। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमको अभी चलकर उन सभी पक्षियों से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन पहले मैं तुमको ठीक कर देता हूँ, कहकर वो वहाँ से गया और कुछ ही देर में वही पत्ता लेकर वापस आया। उसने मिट्ठू की आंख में उसका रस टपकाया और इस बार मिट्ठू सच में ठीक हो गया। टीटू, मुझे सब दिख रहा है, अब घर चलो और उन सभी पक्षियों से माफी मांगो। वो उसको पक्षियों के पास ले गया और बोला, प्यारे दोस्तों, आपका गुस्सा अपनी जगह जायज है, लेकिन मिट्ठू को अपने किए की सजा मिल चुकी है। अब आप इसको एक बार माफ कर दीजिए, आगे से ये कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। सुनकर सभी पक्षियों ने उसको माफ कर दिया और उस दिन के बाद से उसने न कभी आलस किया न झूठ बोला।